हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्विज। और आप जैसे जानते हैं कि ये क्विज हमारे रोज होता है और एक बहुत छोटा सा क्विज है, बहुत ही आसान क्विज है। इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो सभी हमारे आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो अभी ऑनलाइन है हमारे साथ, ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। देयर इज नो फी टू पार्टिसिपेट, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। इसमें चार क्वेश्चन होंगे, चार क्वेश्चन मतलब चार राउंड होंगे। हर राउंड में आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। यू हैव टू बी दी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट इन ऑर्डर टू विन इन दिस क्विज। सो देयर विल बी फोर क्वेश्चंस। यू हैव टू विन, ट्राई एंड विन मोस्ट ऑफ द राउंड्स। क्वेश्चन यू मस्ट आंसर करेक्टली। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दैट मींस द पर्सन गिव द करेक्ट आंसर विंस। मेक श्योर यू डोंट कमिट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट आंसर, डोंट प्रोवाइड प्लीज स्पीक आंसर, ट्राई टू प्रोवाइड कंप्लीट आंसर, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन है। इसमें जो सबसे ज्यादा सही जवाब देता है, सबसे लंबा जवाब देता है, सबसे तो उसको हम क्रेडिट देते हैं और वो विनर होते हैं। सारे रूल्स बता दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्विज है जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट। आप जीतेंगे तो आपको मिलेगा ओरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 420 और $5। तो पार्टिसिपेट करने का कोई खर्चा नहीं है, कोई कोई फी नहीं है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आपको ₹400 की ओरेकल रीडिंग मिलेगी। ओरेकल रीडिंग वो होती है जो एक स्पेशल होती है, और इसमें आपके बहुत ही जो जटिल सवाल होते हैं, डिफिकल्ट सवाल होते हैं रिगार्डिंग योर करियर, योर लाइफ और एनीथिंग एल्स, कैन बी आंसर्ड बाय द ओरेकल कार्ड्स। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, और आपके जो जवाब आएंगे वो जिस सीक्वेंस में आप आंसर देंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, तो कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपके सामने हम अपना पहला क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन एंड लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग अप राइट नाउ। So first question is in front of you. In the year 1580, who was the first person in the world to circumnavigate our Earth? 1580 में वो कौन से शख्स थे, कौन से नाविक थे, कौन से सेलर थे जिन्होंने पहली दफा पूरी धरती का चक्कर लगाया? ये कारनामा उन्होंने 1580 में किया। इनका आपको नाम बताना है और आपका 1 मिनट का समय अब स्टार्ट होता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो हमारे 1 मिनट का जो था समय वो समाप्त हुआ है। अब हम इसका आंसर ओपन करेंगे और क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक इज द आंसर। नाउ लेट्स सी हु हैव बीन एबल टू करेक्ट दिस वन। सो आई कैन सी सनिका एंड कुमकुम, दे हैव अटेम्प्टेड बोथ एंड बोथ ऑफ देम हैव गिवन द राइट आंसर। हाउएवर सनिका ने पहले आंसर दिया है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पहले आंसर देता है वही जीतता है। तो सनिका आप इस राउंड में जीतती हैं। सर फ्रांसिस ड्रेक एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर एकदम सही है एंड यू हैव वन द फर्स्ट राउंड सनिका। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। बाय द वे कुमकुम, वी स्टिल हैव 3 राउंड्स, आप जल्दी से सही आंसर दीजिए और अगले 3 राउंड में और आप जीत सकती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है, इट इज कमिंग अप राइट नाउ।
इन द ईयर 1946 फर्स्ट एडिशन ऑफ द एडवेंचर टिंटिन पब्लिश्ड, हु वाज द कार्टूनिस्ट? आप टिंटिन आपने पढ़ी है, जो बहुत ही पॉपुलर एक कॉमिक है, एक इलस्ट्रेटेड कॉमिक है। 1946 में ये इसका जो पहला एडिशन थी, पहली कॉमिक जो पब्लिश की गई थी, इसके कार्टूनिस्ट का एंड पब्लिशर का नाम बताना है जिसने ये पूरा कॉन्सेप्ट टिंटिन का क्रिएट किया है। 1946 में पहली हुई थी, तो इसमें इनके कार्टूनिस्ट का नाम आपको बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलराइट दोस्तों, अब एक मिनट का जो समय था वो समाप्त हुआ है और इसका आंसर पहले ओपन करेंगे, देन वी विल गो कि किसने स्पेंड किया है। तो बहुत ही पॉपुलर एक कॉमिक है टिंटिन, वेरी वेरी पॉपुलर। इसमें मूवीज भी बनी है। इनके पब्लिशर, इनके कार्टूनिस्ट का नाम क्या है? इनके कार्टूनिस्ट का नाम है जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी, जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी, एंड he actually goes with a nickname of Hurge, and it looks like this guy is from Egypt, so that is why his name is slightly different from English. George Prosper Remy is the name. So ab hum dekhte hain ki ye answer kisne diya hai. To Sanika ne sabse pehle answer diya hai. Sanika bol rahi hai Georges Remy, and Kumkum is saying Georges Remy. इनका थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कुमकुम, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड सनिका ने दोबारा से वही रिपीट किया है Georges Remy, और सनिका ने इसको कंप्लीट भी किया है Georges Prosper Remy. ऑलराइट, सो इन यू आर द विनर बिकॉज आपने सबसे पहले सही जवाब दिया है। और कुमकुम, आप थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करके अगले क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान रखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। Tanika, you are the winner in this round, round 2. Tanika is the winner. All right, let's move on to the next question real quick. In the year 2017, world's second largest gem quality diamond, that means very good, very precious diamond, second largest in the world, sell for $53 million. $53 million, a lot of money. What is the name of this diamond? 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड को बेचा गया और इस डायमंड की कीमत हुई $53 million, बहुत ज्यादा, मतलब एक इतने छोटे से एक ऑब्जेक्ट की कीमत $53 million. इस डायमंड का आपको नाम बताना है एंड आपको एक मिनट का समय मिलता है एज ऑलवेज, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एक मिनट का समय समाप्त हुआ और हम इसका आंसर ओपन करते हैं. स्मॉल ऑब्जेक्ट बट वेरी लार्ज डायमंड सोल्ड फॉर $53 million इन द ईयर 2017 एंड इट्स नेम वॉज लेस डी ला रोना. लेस डी ला रोना इज द नेम ऑफ दिस डायमंड एंड लेट्स सी हु हैव बीन एबल टू क्रैक दिस वन. सो ये आंसर दिया है सनिका ने आंसर दिया है लेस डी ला रोना. कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है. सनिका यू हैव वन द थर्ड राउंड ऑल्सो. ग्रेट जॉब सनिका. आप लगता है अच्छी तरह ब्रेकफास्ट करके आई हैं और आप लंच का इंतजार कर रही हैं. ऑलराइट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये हमारा लास्ट राउंड है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इन द ईयर 2022 स्नोडन. अगर आपको पता नहीं एडवर्ड स्नोडन कौन है तो मैं बता दूं, विकीलीक्स इन्होंने स्टार्ट किया है, जो दुनिया के पॉलिटिशियंस के गवर्नमेंट की पोल खोलते हैं. स्नोडन इनका नाम, इन्होंने स्टार्ट किया है विकीलीक्स. So the question is, in the year 2022, Edward Snowden, former US intelligence contractor, was granted citizenship by which country? 2022 में Edward Snowden, जो WikiLeaks के founder हैं, ये एक US intelligence के लिए भी काम करते थे, इनको एक particular country ने citizenship provide की. उस country का नाम आपको बताना है. Edward Snowden. तो एक सिटीजनशिप मिली, उस कंट्री का नाम आपको बताना है. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो फ्रेंड्स, आवर टाइम इज अप. ये हमारा आखिरी राउंड है और एडवर्ड स्नोडन को किस कंट्री ने सिटीजनशिप दी 2022 में, ये क्वेश्चन है. आई विल ओपन द आंसर एंड आंसर इज रशिया. रशिया गेव दी सिटीजनशिप टू एडवर्ड स्नोडन हु इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स. और ये आंसर किसने दिया है, ये सनिका ने दिया है. सनिका यू आर रॉकिंग टूडे. आपने चौथा राउंड भी जीत लिया. सनिका ने एकदम सही जवाब दिया. रशिया ने इनको एक सिटीजनशिप प्रोवाइड की है. तो एडवर्ड स्नोडन इज नाउ ए रशियन सिटीजन. तो फ्रेंड, वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर क्विज टुडे एंड एज इट इज वेरी क्लियर एंड एविडेंट दैट विनर ऑफ टुडेज क्विज इज सनिका, बिकॉज शी हैज क्रैक्ड मोस्ट ऑफ द आंसर टुडे एंड हर स्कोर इज ऑल्सो much is the score. Her score is 3 and Kumkum has been one answer and her Kumkum score is 1. So therefore Sanika is victorious and also Siva brother has not answered any question. Siva brother, did you participate? It looks like you did not participate. All right, so सनिका इज द विनर. सनिका जी, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, क्योंकि व्हेन वी रिटर्न आवर एक्सपर्ट विल डू योर फ्री ओरेकल रीडिंग. तो जो भी आपके सवाल हैं आप लिख दीजिए, सारे के सारे जो भी सवाल हैं आपके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और एक रीडिंग के तहत आपके आंसर किए जाएंगे. दिस रीडिंग इज वर्थ 400 रुपीज. सो कंग्रेचुलेशन फॉर विनिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.